आयशु, हेलो आयशु। टॉमी, हम लोग ट्रिप पे गोइंग, बीच में कोई चांस? मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पे नहीं चल पाऊंगी, डैड ने फिर मना कर दिया। लोचा, डोंट वरी, एक खुफिया प्लान है मेरे पास। ठीक एक घंटे बाद तुम सब लोग मेरे कंपाउंड वॉल के पीछे आओगे और फिर हम सब वहाँ से गायब। ओए माँ, कितनी कमी नहीं हो तुम। बाजो, बांस की नजर रखनी होगी तुम्हें मैडम पर। कल दूसरी सिक्योरिटी भी हमें ज्वाइन करने वाली है, मतलब डबल सिक्योरिटी पहलवानों। चींटी भी दिखे तो उसे उसी वक्त रोन डालो। इस दीवार से लेकर उस दीवार तक, उस आर से लेकर इस पार तक, यहाँ जो भी हलचल होती है उसकी मुझे पल पल की खबर चाहिए। जब मैं सुबह सोकर उठ जाऊँ तो मैंने चाहे जितनी भी सुरीली क्यों ना हो, ये डॉबरमैन उसकी मीठी बातों में आने वाला नहीं। सुपर ऑक की सिक्योरिटी की चर्चा पूरी सिटी में होनी चाहिए, ये पॉइंट नोट कर लो। सुपर ऑक आए तो अंडे ड्यूटी पर रोज आता है खाकर चार अंडे। क्या प्लान लेडी? नो प्लानिंग नो प्रिपरेशन ओनली ट्रिप। आंखें बंद करके मैं अपनी उंगली जहाँ रखूंगी हम वहीं चलेंगे। ओके, हटाओ हटाओ, जयपुर। सुभाष राव की सिक्योरिटी से, घर के कैद खाने से आखिर मुझे छुटकारा मिल ही गया। आइए आइए आइए, आओ साहब, जयपुर में स्वागत है। हाय, जयपुर में आपका स्वागत है, आइए तशरीफ लाइए। अरे गबरू जवान, आइए। क्या तुमने मुझे गबरू जवान कहा? बिल्कुल, हीरे की कदर तो जौहरी ही जानता है। यार तुम इतनी सारी लड़कियों को लेकर यहाँ मत घूमो, इस शहर में बहुत सारे ठरकियाँ हैं। टॉमी, हम लोग यहीं खड़े रहेंगे क्या? चलो यहाँ से। नमस्ते मैडम, अपनी ए टू जेड ट्रेवलिंग एजेंसी है। टूरिस्ट की लॉजिंग, बोर्डिंग, साइट सीइंग, गाइडिंग, ये गाइड करता है। और ये रही मेरी वैन। बाय द वे, तुम्हारे नाम क्या है? प्रभु। प्रभु मतलब गॉड। हे प्रभु, आपका नाम क्या? टॉमी। टॉमी मतलब डॉग। टॉमी, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में बैठ के बोर हो गई हूँ मैं। हाँ। चलो ना इस पर चलते हैं। सही कहा, बहुत मजा आएगा। वाह सलमान, वांटेड फिल्म लगी है। टॉमी, मुझे फिल्म देखनी है। यस, विदाउट सिक्योरिटी। ओह, देखो कैसा सो रही है, शायद रात को टीवी ज्यादा देख लिया होगा। बेबी आयशु, आयशु बेबी उठो। बेबी माँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ। सुबह रहो, सुबह तुम जब ये देखोगे तो बहुत रोगे। चाचा, भाई भाई, बाप रे, मेरी नौकरी तो संचो गई। डॉबरमैन कॉलिंग, मैं ना पिंजरे से उड़ गई। हाउसफुल मैडम जी, ये दबंग आज आपका बॉडीगार्ड नहीं बनने वाला। रेडी हो जाइए, निकलते हैं यहाँ से। नो वे, सलो की फिल्म देखे बिना मैं नहीं जाऊंगी। टॉमी, ब्लैक में टिकट ट्राई करो, चाहे जितने पैसे लगे। टॉमी, बालकनी लेना। मैं चाहती हूँ सलमान जैसा टाइगर मेरी लाइफ में भी आ जाए। बड़ी फिल्मी स्टाइल में इसने एंट्री मारी है। कुछ भी बोलो, झक्कास लग रहा है। क्या यार, मुझे तो ये कोई राजकुमार लगता है। ये किसी रियासत का राजकुमार ना हो, मगर सबके दिलों पे राज करता है। ये इस हीरो का सबसे बड़ा फैन है, मगर खुद भी किसी हीरो से कम नहीं है। मैं खुद इसका फैन हूँ। अच्छा, डर्टी तो है लेकिन क्या मस्त दाढ़ी है। गाड़ी चाहे कमाल की ना हो, मगर दाढ़ी है। दो
धोखा 500 ये टिकट दे दो क्या तेरी टिकट मेरे हाथ में चल पैसे निकाल पैसे निकाल बहुत पैसा ना तेरे पास हाँ वो बांटने के लिए थोड़ी है श्याणा बनता है बहुत माल है ना तेरे पास पिक्चर देखना है तो फिर से टिकट लेना होगा कौन है बेतू शक्ति क्या ऊपर है भगवान पिक्चर में सलमान और तेरे आगे शक्तिमान ए बावड़िया तेरा प्रॉब्लम क्या है अरे यार प्रॉब्लम तो बहुत है जिस देश में गंगा बहती है उस देश में पानी नहीं है जिस थिएटर में पिक्चर है उसके टिकट्स नहीं है अगर ब्लैक में टिकट है तो खरीदने के लिए पैसे नहीं है चलो यार अगर ब्लैक में टिकट खरीद भी लिया फिर उसके बाद तेरे जैसे नीच कमीने कुत्ते लुच्चे लफंगे और लोफर के बच्चे के साथ लड़ने के लिए न्याय को अन्याय से धर्म को अधर्म से बचाने के लिए भगवान ने एक ही आदमी को चुना बोले तो अपोन तालियां क्या डायलॉग मार रहे हैं जल्दी खत्म करते हैं पिक्चर देखनी है मुझे अकेला दबंग बाकी सब खत्म तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो उन्हें ऊपर पहुंचा देता तुम्हें तो ऐसा धोया जैसे कि पैसे निकाल क्या पोकट की तारीफ छोड़ और माल रख हाथ में पैसा मैं पहले से ही ऐसा पैसा लेकिन सर मैंने टिकट के पैसे तो दे दिए बे टिकट का रेट नहीं है फाइट का रेट है 1000 रुपया एक खोपड़ी का 10 के हुए 10,000 ए, मैंने फाइट करने के लिए बोला था क्या ये लो क्लास के लोग हमारी शराफत का फायदा उठाते हैं तुम्हारी इस नाजुक कली को उन गुंडों से बचाया है वांटेड देखने के लिए रेडी हो गए नहीं आई हेट यू थैंक यू टॉमी हां चलो चलें दे दो इसको पैसे ये लो यहां मिले आगे मत मिलना सफर तो अभी शुरू हुआ है पारस फोन लगाओ उसे महादेव राणा जी यहाँ पर आए हैं कोई सिक्योरिटी साथ नहीं आगे बोलो हम मीटिंग कब कर सकते हैं डे आफ्टर टुमारो परसों जगह बाद में बताऊंगा पर तुम तो आज मिलने वाले थे जैकी कब क्या करता है कोई नहीं जानता टाइम प्लेस कंडीशन रूल्स सब मैं तय करता वो कहता है हमसे परसों मिलेगा डैम इट धोखे बॉस ये वो जग्गू नहीं है जो कभी आपका मुलाजिम था अब ये जैकी बन गया है अंडरवर्ल्ड के काले धंधों में उसका ही सिक्का चलता है अब वो बेताज बादशाह है ये जो बिल्डिंगें देख रहे हैं उसी की है देखिए जरूरत हमारी है
आप फिक्र ना करें। बोलो सावित्री। सुनिए जी, ऐश्वर्या चुपके से बिना बताए ट्रिप पर निकल गई। क्या, वो कब गई? जिस रात आपकी फ्लाइट थी। ओ ऐश्वर्या, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और सुनो, किसी को पता ना चले मैं डीआईजी से बात करता हूँ, ओके? होम मिनिस्टर साहब की बेटी अपने दोस्तों के साथ बिना बताए ट्रिप पर गई है सर। ये बात राज ही रहनी चाहिए। यस सर। इसमें उसकी तस्वीर और दूसरी जानकारियां हैं। ओके। खबर मिली है कि वो जयपुर में है। याद रहे ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात है। ये एक रईस खानदान का मैटर है सर, और आप चाहते हैं कि ये बात राज रहे तो ऐसा ही होगा। महाशुक्र ग्रहण सिर्फ 40 दिन दूर है, हमें वो ज्वालामुखी पत्थर कैसे भी करके हासिल करना होगा। अभी तक उस महादेव की बेटी किडनैप भी नहीं हो पाई है। फिक्र मत कीजिए, मेरा छोटा बेटा संभाल लेगा। ये है मेहरानगढ़ किला। क्या कुछ भी फेंक रहा है, क्या कभी स्कूल की शक्ल भी देखी? तेरी तरह अंगूठा छाप नहीं हूँ। अगर तुझे इस किले की हिस्ट्री ज्योग्राफी डिटेल में जाननी है तो प्रोफेसर साहब को बुलाना होगा। तो बुला प्रोफेसर साहब। ये टिकट ब्लैक करने वाला, ये टिकट ब्लैक करने वाला ही तुम्हारा गाइड है। ये गाइड है? बोले तो ये अपना पार्ट टाइम धंधा है, थोड़े बहुत छुट्टे कमा लेता हूँ। उन छुट्टों से एक दिन बंगला जरूर बांध लोगे। चलो अभी किले का हिस्ट्री बताओ। पहले इसे पूछो पैसे कितने लेगा। राजा का किला और रानी का बगीचा इस टूर के होंगे 2000। टू मच। देखो मैडम, अनजान शहर में तुम खुली तिजोरी से कम नहीं, समझाया? अरे नहीं, 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 राजा बाबू रुक जाइए। मैडम छक्के की फिराक पर रहेंगी तो बोल्ड हो जाएंगी। इस कमीने का विकेट मैं उड़ाऊंगी। ठीक है, मगर इसे कह दो साफ भाषा में समझाएगा। अलग भाषा का अलग चार्ज लगेगा। भाई साहब जरा इंग्लिश में समझाइए ना। इज वेरी फनी लैंग्वेज। कौन सी इंग्लिश सुनेगा तू? इंग्लिश का भी टाइप होता है क्या? बहुत सी अलग अलग टाइप होती है। अमेरिका की एक्सेंट इंग्लिश, ब्रिटिशर की क्लीन इंग्लिश, यंगस्टर की स्लैंग इंग्लिश और तेरे जैसों की वीक इंग्लिश। ईस्ट की इंग्लिश हो चाहे वेस्ट की इंग्लिश हो, तेरे जैसे अनपढ़ गवार के लिए अपने पास बम्बई या इंग्लिश है। चॉइस इज योर।